You are welcome to NM Creative Learning Channel. In today's video, we are going to read the poem Granny, Granny, Please Comb My Hair from Unit 9 of Marigold. इसमें आपको explanation, word meaning, सभी exercises, सब कुछ मिलेगा. This video is all in one. Let us start the poem. Do you have a grandparent who does things for you? क्या तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट हैं जो तुम्हारे लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं? लेट्स रीड अबाउट द ग्रैनी इन दिस पोयम. इस पोयम में हम ग्रैनी के बारे में पढ़ेंगे. ग्रैनी कौन? ग्रैंड मदर. ग्रैनी ग्रैनी प्लीज़ कॉम माई हेयर. ग्रैनी ग्रैनी प्लीज़ मेरे हेयर कॉम कर दो. कॉम का मीनिंग आप जानते हो ना, हेयर को स्ट्रेट करना और उन्हें सेट करना. ग्रैनी ग्रैनी प्लीज़ कॉम माई हेयर. ग्रैनी ग्रैनी प्लीज़ मेरी हेयर कॉम कर दो. यू ऑलवेज टेक योर टाइम. यू ऑलवेज टेक सच केयर. केयर का मतलब होता है ध्यान देना. टू टेक नोटिस ऑफ समथिंग. तुम्हारे पास हमेशा टाइम होता है और तुम हमेशा बहुत देखभाल करती हो. यू पुट मी टू सिट ऑन ए कुशन बिटवीन योर नीज. यू रब अ लिटिल कोकोनट ऑयल पार्टिंग जेंटल एज ए ब्रीज. तुम मुझे कुशन के ऊपर बैठा लेती हो अपने नीज के बीच में. कुशन क्या होता है? कुशन एक स्मॉल पिलो होता है. और नीज तो आप जानते ही हैं कि जो थाई और लोअर लेग के बीच में जॉइंट होता है, दैट इज नी. यू रब अ लिटिल कोकोनट ऑयल. तो लिटिल का मतलब होता है सम. तुम थोड़ा सा कोकोनट ऑयल रब करती हो मेरे हेयर के ऊपर. पार्टिंग जेंटल एज ए ब्रीज. पार्टिंग का मतलब है यहाँ पर डिवाइडिंग द हेयर. और जेंटल का मतलब है वेरी सॉफ्टली. बहुत सॉफ्टली तुम मेरे हेयर को डिवाइड करती हो, जैसे कि ब्रीज करती है. ब्रीज बोलते हैं जेंटल विंड को, हल्की हल्की चलने वाली हवा को. ग्रैनी You have all the time in the world. जैसे पेरेंट्स को तो बड़ी जल्दी होती है ना, लेकिन ग्रैनी के पास बहुत सारा टाइम होता है. And when you are finished, फिनिश का मतलब होता है कम्प्लीट समथिंग. और जब तुम कम्प्लीट कर चुकी होती हो, you always turn my head and say, तुम मेरा हेड टर्न करती हो और हमेशा कहती हो, Now, who's a nice girl? अब अच्छी लड़की कौन है? तो और नाइस का मतलब क्या होता है? कि गिविंग प्लेजर, जो खुशियाँ दे. है ना बड़ी एंजॉय. आपकी भी ग्रैनी आपके हेयर कॉम करती है. अब यहाँ पर ये वर्ड्स हैं, हम इनके मीनिंग आपको राइटिंग में भी बता रहे हैं. केयर का मतलब टेक नोटिस या फील कंसर्न. और कुशन का स्मॉल पिलो. नीज, नीज का मीनिंग होता है जॉइंट बिटवीन द थाई एंड द लोअर लेग्स. और जेंटल सॉफ्ट. ब्रीज जेंटल विंड. और वर्ल्ड द होल अर्थ, ये पूरी धरती. नाइस गिविंग प्लेजर. नाउ द क्वेश्चन आंसर. व्हाट डज द लिटिल गर्ल वांट हर ग्रैनी टू डू. लिटिल गर्ल अपनी ग्रैनी से क्या चाहती है कि वो उनके लिए क्या करे? आपने पोएम पढ़ी, क्या चाहती है? कि वो उसके हेयर कॉम करे. तो द लिटिल गर्ल वॉन्ट का वॉन्ट्स हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में आज डज लिखा है. वॉन्ट्स हर ग्रैनी टू डू हटा दीजिए और टू डू की जगह टू कॉम हर हेयर. व्हाट डज ग्रैनी रब ऑन हर हेयर. ग्रैनी उसके हेयर पर क्या रब करती है? ग्रैनी अब यहाँ भी रब्स हो जाएगा. ग्रैनी रब्स अ लिटिल कोकोनट ऑयल ऑन हर हेयर. डज द लिटिल गर्ल लव हर ग्रैनी? यस. और द लिटिल गर्ल लव का लव्स हो जाएगा. यस द लिटिल गर्ल लव्स हर ग्रैनी वेरी मच. डू योर ग्रैंड पेरेंट्स लिव विद यू. अगर डू शुरू में है तो क्या लगाते हैं? और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होना चाहिए. क्या तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट तुम्हारे साथ ही रहते हैं? यस. योर का माई हो जाएगा. माई ग्रैंड पेरेंट्स लिव विद अस. डू यू स्पेंड सम टाइम विद देम?
स्पेंड का मतलब बिताना, क्या तुम थोड़ा टाइम उनके साथ बिताते हो? यस आई का यू का आई करेंगे, आई स्पेंड ए लॉट ऑफ टाइम विद देम। हाउ डू यू हेल्प देम, तुम उनकी हेल्प कैसे करते हो? तो यू का आई करिए, आई हेल्प देम कैसे करते हो? आई हेल्प देम रीडिंग स्टोरीज टू देम, रीडिंग न्यूज़पेपर टू देम, न्यूज़पेपर पढ़ के, और ब्रिंगिंग फ्रूट्स फॉर देम। तो ऐसे आप कोई भी इसमें लिख सकते हैं आप किस तरीके से हेल्प करते हो। व्हाट डू यू कॉल ग्रैंड मदर इन योर लैंग्वेज, आप अपनी लैंग्वेज में ग्रैंड मदर क्या कहते हैं? आई कॉल ग्रैंड मदर दादी इन माई लैंग्वेज। व्हाट डू यू कॉल ग्रैंड फादर इन योर लैंग्वेज, आई कॉल ग्रैंड फादर दादाजी। डू यू नो एनी ओल्ड पीपल, कैन यू नेम देम, ये तो आपको खुद बताना है आप किसी ओल्ड पर्सन को जानते हैं क्या, आप उन्हें क्या कहते हैं? हाउ कैन यू मेक देम हैप्पी, तुम उन्हें हैप्पी कैसे कर सकते हो? तो ये भी आपको अपने एक्सपीरियंस से बताना है। तो ये सब उसी के बारे में। हैव यू एवर गोट आउट विद योर ग्रैंड पेरेंट्स, क्या अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ कभी बाहर गए हो? यस आई वेंट टू शिमला, आई वेंट टू दिल्ली, आई वेंट टू हरिद्वार विद माई ग्रैंड पेरेंट्स। जहाँ भी गए हो वहाँ का राइट करना है आपको। ना नेक्स्ट, अब आपको देखो ये नए वर्ड्स बनाने हैं, ये बिल्कुल वर्ड बिल्डिंग है और बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है ये। तो यहाँ पर ग्रैंड पेरेंट्स वर्ड लिखा है, इसमें इन्हीं स्पेलिंग से जो यहाँ लेटर्स लिखे हैं ना, इन्हीं से आपको नए वर्ड बनाने हैं। देखो यहाँ पर दिखाया आर ई एन टी रेंट, यहाँ पर दिया हुआ है। अब आर के साथ ए आगे से ले लो, टी ये वाला लगाओ, रैट बन गया। फिर ए एन डी एन देखो बीच में दे रखा है, फिर शुरू में आप पढ़ेंगे ग्रैंड दे रखा है, जी आर ए एन डी ग्रैंड। और उसके बाद यहाँ पर ईयर्स बना सकते हैं, ई ए आर एस, ये ईयर्स बन गया। अब इसमें भी स्टार भी बना सकते हैं, एस टी और ए आर आगे से आपने ले लिया। आप एन बना सकते हैं, ए एन एन बना सकते हैं। तो और पेरेंट बना सकते हैं, पी ए आर ई एन टी, पेरेंट अलग कर सकते हैं। तो और भी बहुत सारे वर्ड्स बना सकते हैं इसमें। नाउ दिस इज द एक्सरसाइज। अब आपको देखो पता है ना, इट लगाते हैं बेजानदार चीज़ों के लिए, एनिमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए। आई का मतलब मैं होता है, ही बॉय के लिए, मैन के लिए आता है, शी गर्ल के लिए, वुमेन के लिए आता है जो फीमेल होते हैं, माय का मतलब मेरा होता है, यू का मतलब तुम होता है। तो यहाँ आपको वर्ड रिप्लेस करने हैं। मीना इज प्लेइंग विद अ ढोल, इज ए गर्ल, अब आप जानते हो ना गर्ल के लिए शी आता है, शी इज ए गर्ल। राम इज क्लाइंबिंग अ ट्री, अब राम बॉय है ना, ही इज अ बॉय। डू नॉट ईट दैट मैंगो, इज नॉट राइप, राइप का मतलब पका हुआ, पका हुआ क्या नहीं है, मैंगो, और मैंगो पर्सन नहीं है, इसके लिए इट आएगा, इट इज नॉट राइप। अब यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स यहाँ पर ये देख रहे हैं आप कि इनमें आपको ए एन दा लगा के यहाँ पर आपको लिस्ट बनानी है वर्ड्स की, फादर ऐसे आप इनके बना सकते हैं। अब इस वाली जो ये वाली जो एक्सरसाइज है इसमें थैंक यू करके कार्ड बनाया गया है, और यहाँ पर भी ये डियर ग्रैंडफादर करके मैसेज है, ये आपकी एक्टिविटी के लिए है। अब इस वाली एक्सरसाइज में यहाँ पर ये मीना के ग्रैंड फादर हैं, तो वो ये पिक्चर में आपको बनानी है चीज़ें, और साथ में फिर आपको इनके आपको यहाँ पे लिखने हैं, उनके नेम राइट करने हैं।